फ्रेंड्स आज हम ये कार्ड वॉलेट स्टिच करेंगे। इसमें देखिए 3 पॉकेट्स हैं और तीनों पॉकेट्स में कार्ड्स को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। देखिए ये हम कार्ड्स लेंगे और वॉलेट में सेट कर लेंगे। ये देखिए सारे कार्ड्स इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये वॉलेट काफ़ी यूजफुल है, इसको स्टिच करके आप इजली अपने पर्स में रख सकती हैं। बहुत ही क्यूट लगता है देखने में फ्रेंड्स ये वॉलेट। देखिए साइड से फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा क्यूट सा वॉलेट पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम ये क्यूट सा कार्ड वॉलेट स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम 9.5x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे। ये 9.5 का साइड है और ये 12 का साइड है। देखिए 12 का साइड है, तो एक साइड से हम 9.5 की साइड में देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ऐसे हम देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और इस मार्क वाले पॉइंट को हम 4 इंच पे 12 की साइड में देखिए ऐसे मार्क करते हुए बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए ऐसे में मार्क करना है और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में देखिए पहले 9.5 की साइड में 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है और 12 की साइड में हमें 4 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे देखिए मार्क करके बॉक्स बनाना है। और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे, इसके बाद इसको हम शेप में कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए स्टिच करके शेप में कट कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए कॉर्नर्स को ऐसे मिलाते हुए सेट करना है और इस साइड हमें यहाँ पर हल्का सा शेप में कट करना है। ये देखिए ऐसे में शेप में कट करना है और अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे और 9.5x12 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। प्लेन पीस का राइट साइड और क्विल्टेड पीस का राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए इस साइड से हम 3 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को। इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है और अब देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं चारों कॉर्नर्स पे हल्का सा कट लगा लेंगे। देखिए ऐसे हमें हल्का सा कट लगाना है ये देखिए इस साइड से और इस साइड भी दोनों कॉर्नर्स पे हल्का सा देखिए कट लगा लेंगे और अब हम इस साइड भी हल्का सा देखिए ऐसे राउंड में कट लगा लेंगे और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को पलट कर हमें राइट साइड कर लिया है और अब देखिए इसको हम अंदर की साइड में प्लेन पीस और क्विल्टेड पीस को फोल्ड करते हुए राउंड में स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे देंगे और ओपन पार्ट को स्टिच करके लॉक कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए दाब सिलाई दे दी है और ओपन पार्ट को स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। अच्छे से देखिए इसको सेट करते हुए हमें पिनअप करना है और अब देखिए इसमें से हम एक साइड वाले पार्ट को देखिए इस कॉर्नर से सेट करते हुए फोल्ड करेंगे और ऐसे हम प्रेस करके यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें मार्क करना है और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक करेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए स्टिच कर लिया है ये देखिए और इसको हम देखिए ओपन करेंगे और इसको हम ऐसे सेट करते हुए प्रेस कर लेंगे और एक बार और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इन दोनों पार्ट्स को लेते हुए साइड से स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। दोनों साइडों से हमने देखिए स्टिच कर लिया है। देखिए 3 पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। इसको हम देखिए से डाउन करेंगे तो ये पर्स ऐसे रेडी होगा और अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम चौक से सेंटर का मार्क करेंगे।
इस साइड हम देखिए कोई भी बटन है या वेलक्रो है जो भी आपके पास हो उसमें आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो ये हम देखिए बटन लेंगे और इसको हम यहाँ पर टक करेंगे। बटन को देखिए साइड से हमने टक कर लिया है और अब हम इसमें चौक लगाएंगे और इसको टर्न करते हुए इसके दूसरे पार्ट को इस साइड हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम मार्क करेंगे और इसके दूसरे पार्ट को फूल करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी मैंने देखिए अटैच कर दिया है और ये फ्लैप के साथ ऐसे यहाँ पर सेट हो जाएगा। और अब हमारा ये कार्ड वॉलेट बनके रेडी हो गया है। इसमें अपने कार्ड्स को अच्छे से सेट करते हुए आप सारी पॉकेट्स में रख सकते हैं। ये देखिए सारे कार्ड्स इसके सेट हो जाएंगे। बहुत ही क्यूट लगता है देखने में फ्रेंड्स ये पर्स और बहुत ही यूजफुल है। इसको स्टिच करके आप इजली अपने पर्स में रख सकते हैं। ये देखिए सारे कार्ड देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा कार्ड वॉलेट पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।